भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 53। योग यानी यूनियन विद द सुप्रीम सोल की प्राप्ति में दो बातें प्रमुख हैं। एक तो परिवार संबंध, धन संपत्ति, यश प्रसिद्धि, इनका मोह, और दूसरा शास्त्रों के विभिन्न मतों से उत्पन्न मोह। वर्तमान श्लोक में भगवान अर्जुन को दोनों से छुटकारा पाने का उपाय बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है। श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधाव चलाह बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। विस्तार से जान लेते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई, कंफ्यूज्ड बाय वैरायटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, ते तेरी योर यदा जिस समय, व्हेन स्थास्यति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, निश्चला निश्चल, सिक्योरली एंकर्ड, किसमें एंकर्ड होगी, समाधव परमात्मा में, इन सोल ब्लिस, और साथ साथ में अचला अचल हो जाएगी, अनफ्लिंचिंग क्या हो जाएगी, बुद्धि ही बुद्धि इंटेलिजेंस, इतना हो जाए बस। तदा उस समय, एट दैट टाइम, योगम योग को, डिवाइन यूनियन वापसी प्राप्त हो जाएगा, यू विल अटेन, जो कि जीवन का मकसद है। भावार्थ, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इंग्लिश में समझ लेते हैं। When your wisdom bewildered by diverse scriptures study gets firmly in samadhi fixed, divine union truly comes to thee। अर्जुन के मन में ये श्रुति वी प्रतिपत्ति यानी उलझन है कि अपने गुरुजनों का और परिवार का नाश करना भी उचित नहीं है जो कि सामने खड़े हैं, और क्षत्रिय धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है, उसके बारे में कृष्ण बार बार कह रहे हैं। तो एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ युद्ध हो, अब दोनों नहीं हो सकते। कुटुंब की रक्षा करेंगे तो युद्ध नहीं होगा, और युद्ध करेंगे तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी, ये सोचकर अर्जुन की बुद्धि विचलित हो रही है, दो राय पर है वो। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा देते हैं। यदि सांसारिक असत पदार्थों से वियोग हो जाए और परमात्मा में स्थिति हो जाए, उसे योग कहते हैं। आसनों वाला तो उसका एक सरल रूप है, योग वास्तव में यूनियन विद गॉड इसको कहते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति का एक उपाय नहीं, कई तरह से हो सकता है। जैसे इस योग की अनुभूति अगर कर्मों के द्वारा की जाए तो कर्म योग हो गया, काम कर्म करके भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। विवेक विचार द्वारा की जाए तो ज्ञान योग हो गया। इन दोनों से भी नहीं होती, अगर प्रेम के द्वारा की जाए परमात्मा से तो भक्ति योग हो गया। इसके अलावा प्राणायाम के द्वारा की जाए तो उसको कहते हैं हठ योग, और यम नियम आदि 8 अंगों द्वारा की जाए तो इसको कहते हैं अष्टांग योग। अब मोह क्या होता है जिसकी बात की गई है? मोह दो प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक मोह और दूसरा दार्शनिक मोह।
शरीर स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि में राग होना, इनका होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्त होना जीवन का मकसद ही वही हो जाए, ये सांसारिक मोह है। और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत ये भी बहुत ज्यादा मोह पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, जैसे द्वैत, अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अलग अलग तरीके बता दिए गए हैं, इनमें उलझ जाना शास्त्रीय मोह कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि सांसारिक मोह को छोड़ना ज्यादा कठिन है या शास्त्रों किताबों से उपजे मोह को? इसको एक सरल तरीके से बताया गया है, कहते हैं कि सांसारिक मोह एक छटाक यानी चुटकी भर उलझे हुए सूत के धागे की तरह कठिन होता है, उसको सुलझाने में जितनी कठिनाई आती है उतना पारिवारिक धन संपत्ति संसार के मोह को छोड़ना कठिन होता है। जबकि शास्त्रीय मोह सोमण सूत के उलझने के बराबर होता है, उसको सुलझाने में जितना वक्त लगेगा उतना ही वक्त परमात्मा को समझने में लग जाएगा। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य यानी कि डिसिल्यूजनमेंट हो जाएगा और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। चार वेद दस आठ पुराण बात बात से करें बखान, चार वेद दस आठ पुराण बात बात से करें बखान, बुद्धि जंगल बियाबान चार धाम और बारह स्नान, बुद्धि जंगल बियाबान चार धाम और बारह स्नान, खींचे डोर अपनी ओर रिश्ते नाते जान पिछान, खींचे डोर अपनी ओर रिश्ते नाते जान पिछान। पावे प्राण योग साधन हुए आसान, एक ठोर जब पावे प्राण योग साधन हुए आसान, निश्चल बुद्धि होगी शुद्धि परम रूप में लागे ध्यान, निश्चल बुद्धि होगी शुद्धि परम रूप।